मेन्यू मेन्यू मेन्यू, अभी तक आप लोगों ने मेन्यू के बारे में इतना ज़्यादा सुन लिया है कि आप कह रहे होंगे कि और हमें मेन्यू के बारे में क्यों बताए जा रहे हैं बार बार. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पार्ट इज़ अबाउट मैनेजिंग योर मेन्यू लोकेशंस. आपको जब मैंने बताया था कि मेन्यूज़ क्या होते हैं, उसमें एक क्रिटिकल पार्ट मैंने जिक्र अभी तक नहीं किया, वो ये है कि मेन्यू की लोकेशन बड़ी मैटर करती है. आपको अगर याद हो कि जब मैं mangobaz.com पे गया तो वहाँ पे सामने ऐसा सच आपको मेन्यू नज़र नहीं आ रहा. इट्स ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन द थ्री लाइंस ऑन द टॉप कि आपको उसका मेन्यू एकदम से सामने नज़र आता है. सो मेन्यू की जो लोकेशन है वो थीम बाय थीम डिफर करेगी. यूजुअली थीम्स में जो मेन्यू की लोकेशन है दैट्स ऑन द टॉप. सबसे टॉप पे आपको एक अपने लोगों के साथ राइट हैंड साइड पे या उसके नीचे एक जगह नज़र आएगी. दैट्स यूजुअली द मेन्यू लोकेशन. बट इन सम केसेस देयर माइट बी अ सेकेंडरी मेन्यू एज वेल. थीम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की मेन्यू लोकेशन वो आपको ऑफर करती है और साथ साथ आप कौन सी मेन्यू लोकेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं. यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो कि विजिट्स कैन ऑल्सो शो मेन्यूज. और जहाँ जहाँ विजिट नज़र आएंगे वहाँ वहाँ आप मेन्यूज को दिखा सकते हैं. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि मेन्यूज आर सो पावरफुल कि कहीं भी अगर आपके पास एक विजिट की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं आप, तो आप वहां पे मेन्यू दिखा सकते हैं. दिस कुड बी साइड बार, दिस कुड बी द हेडर, दिस कुड बी द फुटर, दिस कुड बी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फुटर, और दिस कुड इवन बी अ पेज. क्या आप मेन्यू को एक पेज पे ऐड कर सकते हैं? Yes, you can. How? Well, using plugins. हम plugin use करेंगे page builder by site origin. And using that, we'll be teaching you how to change the location of these menus. तो menus क्या थे? Menus are the top links. The links on the top of your website जो सबसे पहले लोग देखते हैं. आप menus की location को कैसे manage कर सकते हैं? You will go to appearance menus. वहाँ से या तो आप कोई एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे या आप अपने करंट मेन्यू को एडिट करेंगे और वहाँ से आप नीचे उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं. या you could go to the manage locations tab which is available in appearance menus और वहाँ से आप उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं. जब आप manage location के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर थीम जो आपने इस वक्त इंस्टॉल की हुई है, ये कहां कहां आपको मेन्यूज ऐड करने की या उसको प्लेस करने की ऑप्शन दे रहा है. एंड बेस्ड ऑन दोज प्लेसमेंट्स यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपने मेन्यू को कहां प्लेस करना है. अगेन याद रहे कि अगर आप किसी मेन्यू को नहीं भी यूज करते, द मेन्यू विल स्टे देयर. आप अपनी मर्जी से मेन्यूज को रीयूज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. सो एज इज सेड, यू मे हैव वन मेन्यू लोकेशन और यू मे हैव मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन द थीम दैट इज करंटली इन यूज. आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि ये मेन्यू आप कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ दिखाएंगे. कुछ थीम्स में एक प्राइमरी मेन्यू का कॉन्सेप्ट भी होता है, एज आई टोल्ड यू. एंड सम थीम्स ऑल्सो गिव यू दी option of having a secondary menu. That is a menu where you can add a secondary level of navigation links. Yaad rakhiyega ki assigning an existing menu that you have created to the appropriate location, you can do that by selecting from the drop-down list. Drop-down list se aap us menu ki jo location hai, right, wo usko select kar sakte hain. Alternatively, आप ये भी कर सकते हैं कि यू क्रिएट अ न्यू मेन्यू एंड असाइन इट अ लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द यूज न्यू मेन्यू लिंक. सो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है. एंड यू कैन सी दिस हियर इज वेल इन
जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मेन्यू को दिखाने के लिए। सो हम बात कर रहे थे मेन्यूज़ के बारे में। मेन्यूज़ एंड देयर लोकेशन इज़ सुपर क्रिटिकल एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द थीम दैट यू गाइज आर यूजिंग फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो लेट्स गो एंड ट्राई सम ऑफ दीज मेन्यू लोकेशंस और हम मेन्यूज़ को डिफरेंट जगह प्लेस करके देखेंगे कि वो कैसे नज़र आते हैं। सो फर्स्ट आई विल गो टू अपीयरेंस, आई विल गो टू मेन्यूज एंड वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप करंट मेन्यू जो सिलेक्टेड है उसको देख सकते हैं। अब इस मेन्यू के नीचे इसकी डिस्प्ले लोकेशन भी एक नज़र आ रही है विच इज़ द नेविगेशन मेन्यू। What happens if I deselect it and click on save menu? देखते हैं कि अगर मैं इसको deselect करता हूँ और मैं अपनी साइट के होम पेज पर जाता हूँ तो क्या नज़र आता है। So on the site's होम पेज, और आप देख सकते हैं कि मैंने थीम अपना थोड़ा सा चेंज किया है, you will see all pages that are there. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई मेन्यू ऐड नहीं करेंगे या किसी मेन्यू को इस लोकेशन पे असाइन नहीं करेंगे तो जितने भी पेजेस आपके पास बने हुए सारों की आप मेन्यू लिंक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। बट व्हाट इफ आई गो बैक एंड आई गो टू मैनेज लोकेशंस एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू कोई सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। सो आई सिलेक्ट ऑन टॉप मेन्यू एंड आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस। नाउ दैट आई हैव असाइंड अ लोकेशन टू अ मेन्यू आई विल गो टू माई साइट एंड आई विल सी कि देखें अब मेरा मेन्यू अपडेट हो गया है। अब वो देखें पाकिस्तान के नीचे हरारकी भी नज़र आ रही है, सब मेन्यूज भी नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशल टू सी कि आपकी थीम आपको कौन कौन सी मेन्यू की लोकेशंस ऑफर करता है। ये याद रखिएगा कि हर थीम में मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती हैं, तो आपने डिसाइड करना है और आपने अपनी वेबसाइट के लिए डिफाइन करना है कि कौन सी मेन्यू लोकेशंस आर राइट फॉर यू and work for you. So this is very much important. Ek aur cheez jo hum kar sakte hain, we can go to widgets and we can add some menus here. So aap dekh sakte hain is theme ke do widget areas hain. There is the main widget area which appears in the footer section of the site and there is a secondary widget area which appears on posts and pages in the sidebar. So what we'll do is we will delete all these entries. बल्कि delete क्यों करना है, we'll just add menus to this. So ये left पे जिस तरह आपको widgets के बारे में हमने बताया था इसी तरह यहाँ पे menus का भी एक widget है, बल्कि pages का एक widget मुझे नज़र आ रहा है। मैं इसको delete करूँगा क्योंकि मैं navigation menu को as a widget डालना चाह रहा हूँ। So I'll go and I'll add a navigation menu. और मुझे पूछ रहा है कि मेन्यू सिलेक्ट करें, कौन सा मेन्यू आप दिखाने जा रहे हैं। सो आई क्लिक ऑन टॉप मेन्यू एंड इसी नेविगेशन मेन्यू को मैं फुटर में भी ऐड करना चाह रहा हूँ। सो मैंने इनको ऐड कर दिया, मैंने इनको सेव कर दिया। नाउ व्हेन आई ओपन माई वेबसाइट आई वॉन्ट टू सी के मेन्यूज किधर नजर आए। अब आप देखें कि वो मेन्यूज हैव ऑटोमेटिकली अपीयर्ड ऑन माय साइड बार एंड आल्सो होपफुली इन माय फुटर एज वेल। ओ फुटर पे नहीं आ रहा। सो हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न है कि फुटर पे ये मेन्यूज नहीं नज़र आ रहे। सो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी थीम पे और कभी कभी इस तरह के चैलेंजेस आपको फेस हो सकते हैं वेयर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। और जिस तरह के आप लाइव देख रहे हैं हम भी आपके साथ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि व्हाई इज़ इट वर्किंग और व्हाई इज़ नॉट। बट द कोर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेन्यूज इज़ कि आपको लिंक्स का पता होना चाहिए जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आपने उनकी लोकेशन को देखना है कि किधर आप उन मेन्यूज़ को ऐड करना चाहेंगे। इसी तरह मैं आपको पेजेस में जल्दी से दिखा दूँ कि अगर आप एक मेन्यू को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह ऐड कर सकेंगे। सो करंट पेज में उठाऊँगा अबाउट डीजी स्किल्स एंड आई एडिट इट और एडिट करने के बाद आई क्लिक ऑन पेज बिल्डर एंड हियर आई एड अ विजिट नेविगेशन मेन्यू आई एडिट इट सेटिंग्स। मैं सिलेक्ट करूंगा टॉप
top menu and I'll click on done. I'll click on update. And jab main samne jaunga to ab dekhiye mere paas wo navigation menu dobara ek page mein bhi aa gaya. So this is the beauty of menus. You can add menus as you want. Jidhar aap usko add karna cha rahe hain, jis tarike se add karna cha rahe hain, aap pe depend karta hai. Use menus. This is a very powerful feature of WordPress. जिससे आप अपनी साइट का नेविगेशन सिस्टम सेट कर सकते हैं. एंड नेविगेशन सिस्टम सेट करने से मुराद है आप इस साइट की SEO भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो यूज़ दीज फीचर्स दैट वी आर टीचिंग यू एंड गो टू आर LMS विच इज़ द DigiSkills VU LMS जिस पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टे टुगेदर इन दिस जर्नी एंड लेट्स कीप लर्निंग.